मिशन 2022 पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, क्या देख रहे हैं लगातार बनारस से कट टू कट दौरे चल रहे हैं, किस तरह से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? 2022 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के दम पर जनता का आशीर्वाद लेकर हम सरकार बनाएंगे। नवलोक पार्टी से गठबंधन हुआ है, लोधी निषाद बड़ा क्लस्टर वोट है बीजेपी के लिए, परंपरागत वोट रहा है, तो क्या लग रहा है अखिलेश की तरह आप भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं? कई छोटे छोटे दलों के दम पर हम सरकार बनाएंगे। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? आज आपने ट्वीट किया, अभी चंदौली में एक विधायक डीएसपी से लड़ रहे हैं, उसको लेकर आपने बोला है कि ये लाल टोपी वालों की ट्रेनिंग है, क्या है? मेरा एक ही लक्ष्य है कि गरीबों का कल्याण करना। केंद्र राज्य में सरकार इसलिए बनाते हैं कि गरीबों का खुशहाल रखें, गरीबों को कल्याण करना है। चंदौली के विधायक ने भी राज्य सपा बसपा का आप शासन देखे हैं, गुंडागर्दी उनका देखा है, भ्रष्टाचार उनका देखा है, नियुक्तियों में हेर फेर उनका देखा है। आज पहली बार है उत्तर प्रदेश में सरकार है जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में भ्रष्टाचार में नियुक्तियों में कोई भ्रष्टाचार नहीं किसी में। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राम मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया, केशव देव मौर्य ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। सर जी ये है आप जबरदस्त इस समय आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम है और उनका कहना है कि लगातार समाजवादी पार्टी का शासन जनता ने देखा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा वापसी कर रही है और वो आज सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसके तहत जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको शामिल करने पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम में वो देरी से जरूर पहुंचे लेकिन आखिर में उन्होंने कार्यकर्ताओं में यहां मौजूद जनता में जोश भर दिया। तो ऐसे में अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो ओबीसी की उन जातियों पर है जो परंपरागत तौर पर बीजेपी के साथ रही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे दल हैं जो जातिगत प्रधानता के चलते उन्होंने नए दलों के साथ एक नई एनर्जी के साथ वो दल आए हैं तो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी पर के साथ इन गठबंधन का किस तरह का रिस्पॉन्स 2022 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।